ठीक, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फोर्स। फोर्स के चैप्टर में अभी अभी हमने क्या किया, इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक किया। तो इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक फोर्स चैप्टर में यूज होने वाला है। तो इसमें जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 28 का प्रिंट आउट लेंगे, शीट नंबर 28, टाइप ऑफ फोर्सेस। आप लोगों को मेरे ख्याल से मिल चुकी है टाइप ऑफ फोर्सेस। ये फोर्स का चैप्टर जो अभी स्टार्ट करेंगे वो 45 मिनट्स तक सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चलती जाएगी, फोर्स की स्टार्टिंग ही नहीं होगी, और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा एंड में जब 20 मिनट बचेंगे, और फिर आगे से जो फोर्स जितना भी चलेगा वो टोटली मैथमेटिकल चलेगा। पर जो थ्योरी वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो पहले आते हैं, वो पहले क्लियर करेंगे। जो लोग एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, या जो स्कूल में गए होंगे उनको कई बार कई टीचर करवाते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फिजिक्स, टाइप ऑफ फोर्सेस। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर ये जो लेक्चर है ये फर्स्ट पेज पे गिवन है, पर हम इसे आज कर रहे हैं क्योंकि अब जरूरत है फोर्स की, तो फोर्स को आज ही स्टडी करेंगे। पहले दिन क्या करेंगे जब फोर्स स्टडी नहीं करनी। तो लेकिन बुक्स के अंदर ऐसा गिवन है टाइप ऑफ फिजिक्स और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, और मजे की बात है टाइप ऑफ फोर्सेस में ये जो डिवीजन करेगा फोर्सेस की या क्लासिफिकेशन करेगा ये पूरे प्लस वन प्लस टू के सिलेबस को डिफाइन करेगा, क्योंकि इसमें जो प्लस वन प्लस टू का जो सिलेबस बना हुआ है जितना भी बना हुआ है वो सिर्फ इन फोर्सेस से ही बना हुआ है। तो ये चार हिस्सों में बांट रखी है पूरी फिजिक्स को प्लस वन प्लस टू की, तो वो कैसे बांट रखे है वो बताया गया है, जो कि एनसीईआरटी वाले फर्स्ट पेज पे समझाते हैं। और कभी कभी लोग नॉन मेडिकल छोड़ देते हैं मेडिकल कि हमें समझ नहीं आ रही कि फिजिक्स क्या है, वो कहाँ समझ में आएगी, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा जो वो समझाएगा प्लस वन प्लस टू की एक पेज के अंदर, तो वो थोड़ा कम समझ में आता है। तो मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देके छोड़ूंगा मैं भी, ठीक है यहाँ तक। तो टाइप ऑफ फोर्सेस के अंदर, और एक और बात बता देता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैकेनिक्स फोर्स को एक्सप्लेन करती है वो एच सी वर्मा की बुक है, उससे ऊपर आज तक कोई बुक मैंने नहीं सुनी। आप जिससे मर्जी पूछ लेना, इसी का नाम आता है एच सी वर्मा का, मैकेनिक्स के लिए नंबर वन बुक है। तो मैं उसको पूरा फॉलो करूंगा अपनी क्लास में, आपको लेने की जरूरत नहीं है, जिसने ले ली अच्छी बात है प्रैक्टिस कर ले, पर मैं उसको पूरा का पूरा स्टडी करके और एनसीईआरटी के साथ क्लब करके ही अपने लेक्चर को इसमें डिफाइन करूंगा, ताकि वो बुक हमसे छूटने ना पाए, वो इम्पोर्टेंट है। तो टाइप ऑफ फोर्सेस ये वहीं से मैंने लिया हुआ लेक्चर है। तो फोर्स नॉर्मली जब फोर्स की बात आती है तो छोटी क्लास में सिखाया जाता है इट इज अ पुश या पुल, बस हो गई फोर्स खत्म। लेकिन ये इतना छोटा नहीं है, इतना छोटा होता तो सिलेबस कैसे बनता प्लस वन प्लस टू का, ये बहुत बड़ी है। दुनिया में बहुत किस्म की फोर्सेज हैं और इसको बेसिकली चार हिस्सों में बांट दिया गया है। सबसे पहला हिस्सा है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी की फोर्स। तो अगर मेरा वेट mg अर्थ के ऊपर कुछ और है, मून पे कुछ और है, जुपिटर पे कुछ और है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उन प्लैनेट्स की डिफरेंट है, m इंटू जी का प्रोडक्ट डिफरेंट आएगा तो मेरा वेट चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रेविटी की फोर्स है। तो ग्रेविटी की फोर्स प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पे डिफरेंट है, तो वेट भी डिफरेंट प्लैनेट पर डिफरेंट है। पर न्यूटन पहला साइंटिस्ट था जिसने इसको ऑब्जर्व किया, तो वो एप्पल वाला एग्जांपल है, सेब गिरा, उसने सोचा कि हम क्यों नहीं ऊपर गिर गए, सेब ही क्यों नीचे गिर रहा है, तो फिर उसने एक लॉ निकाला स्टडी करके जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। न्यूटन ने ये कहा इस यूनिवर्स में, दुनिया में नहीं कहा, इस वर्ल्ड में नहीं कहा, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं और एक दूसरे को खींचते हैं। मैं और ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, और क्वेश्चन ये अराइज होता है अगर हम दोनों खींच रहे हैं तो फिर हमारी टक्कर क्यों नहीं हो रही। तो अगर मैं और ये कैमरा खींच रहे हैं तो हमारी टक्कर क्यों नहीं हो रही, तो उसका रीजन फोर्स तो है, मैं ऐसे खींच रहा हूं या मुझे खींच रहा है, क्यों? क्योंकि कैपिटल जी, नहीं कोई और रीजन ज्यादा है, कैपिटल जी और मास छोटा कम, मतलब ठीक है इसका मास, यार मैं भी ठीक लग रहा हूं मास में, तो अब किससे कंपैरेटिव, अर्थ से कम, अर्थ की तो बात ही नहीं हुई, मैं कह रहा हूं मैं और ये M1 M2 है, तो
अच्छा, ओके। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थ के ऊपर बैठे हैं हम लोग, अर्थ मुझे कहां खींच रही है? नीचे। इसे कहां खींच रही है? नीचे। तो फिर कैसे आएंगे एक दूसरे के पास? इतनी जोर की हमें फोर्स नीचे लग रही है, बहुत फोर्स लग रही है, हमारे वेट नीचे एक्ट कर रहे हैं, तो फिर अट्रैक्शन कैसे हो सकती है? अट्रैक्शन है, पर ये मूव नहीं कर सकता अपने आप, और मैं भी मूव नहीं कर सकता अपने आप, क्योंकि हमारी जो फोर्स है अर्थ के मुकाबले बहुत छोटी है। उसने जैसे बताया, पॉइंट क्लियर है? तो हमें अर्थ बहुत बड़े साइज की अर्थ है, जो अर्थ और मेरी फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा और वो बहुत जोर की मुझे खींच रही है, इसको भी खींच रही है, इसलिए हम पास नहीं आ पा रहे। आप इमेजिन करो, आप एक ऐसी जगह पे चले गए जहां अर्थ नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, बस ग्रेविटी फ्री स्पेस है, और आप हम दोनों को खड़ा दो, गारंटेड है हमारी टक्कर होनी ही है, होनी है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, और कोई प्लैनेट आसपास नहीं है, फिर वहां अट्रैक्शन हो जाएगी और टक्कर हो जाएगी। क्लियर है? फिर जैसे मैं मून को खींच रहा हूं, मून मुझे खींच रहा है, हाँ मजाक कर रहे हो, सन मुझे खींच रहा है, मैं सन को, न्यूटन ने कहा यूनिवर्स तो मैंने ले लिया, सन मुझे खींच रहा है, मैं सन को खींच रहा हूं, तो किसी ने कहा चलो ये बात होगी तो भी फोर्स निकाल ही दो, कि फोर्स कितनी आप दोनों की, फिर आप उड़ के सन के पास क्यों नहीं जा रहे? पहली बात तो अर्थ मुझे खींच रही है तो मैं कैसे जाऊं? दूसरी चीज, जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता क्या है? जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो अब इस केस में मेरा और सन का डिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा है। कितना ज्यादा? पता नहीं कितना, इनफाइनाइट है। तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी का मतलब फोर्स ऑलमोस्ट जीरो है, पर ये नहीं कह सकते कि न्यूटन का फॉर्मूला गलत है। न्यूटन ने तो अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, अब आपकी फोर्स बहुत छोटी आ रही है और जीरो आ रही है वो अलग बात है, पर फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्लियर है? तो दो ऑब्जेक्ट जितना पास होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा पास होगी, कोई डाउट इसमें? तो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ बनाया और हमें दो मासेस के बीच में फोर्स की वैल्यू के बारे में बताया, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पर मैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहीं क्लोज करता हूं, क्योंकि ये टॉपिक अर्थ और ये प्लैनेट्स के ऊपर, ये ग्रेविटेशनल का टॉपिक सितंबर अक्टूबर में पढ़ाया जाता है। एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशनल मोशन, एक 20 दिन का चैप्टर है, उसमें यही स्टडी करवाया जाता है, तो मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूं। तो देखो ना, मैं बता रहा हूं, अब आप और डीप में जाने की कोशिश करोगे बुक आपको बाहर से ले आएगी। तो वो जस्ट बता रही है कि ये एक फोर्स है, बस आपको पता होना चाहिए कि एक कैटेगरी ऑफ फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल की फोर्स है। क्लियर है यहां तक? दूसरी फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स इन्वॉल्व्ड है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल देता हूं। एक साइंटिस्ट था कूलम, और प्लस टू का सिलेबस यहीं से स्टार्ट है, जिसको बोलते हैं कूलम्स फोर्स या कूलम लॉ। कूलम ने कहा कि दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, जिसका ये फॉर्मूला हमें उसने दिया। हम इसको नहीं स्टडी करने वाले, क्योंकि अगेन ये हम प्लस टू में स्टडी करने वाले हैं, पर क्योंकि नाम की बात आ रही है तो इसकी कैटेगराइजेशन तो मुझे बतानी पड़ेगी। तो ये भी एक फोर्स होती है, और ये कहां एग्जिस्ट करती है? जहां पर दो चार्जेस हैं, जहां चार्जेस हैं वहां फोर्स का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स होगी। क्लियर है यहां तक? तो इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं उसे। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक। और डीप चलते हैं, मैंने क्या किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब वो ये क्या है, चार्ज कहां दिख रहा है फ्रिक्शन में? मेरे को सिखाया जाता है, मैं स्लाइड कर रहा था, फ्रिक्शन का मतलब रफनेस है, छोटी क्लास में बताया जाता है फ्रिक्शन होने का रीजन क्या है। आप बोलते हो सरफेस रफ है, यही बोलते हो ना, रफनेस है, तो जितनी रफनेस है उतनी ज्यादा फ्रिक्शन है, ऐसे पढ़ते हो। अब असली सुनो, रफनेस से होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स में सरफेस रफ दिखेगी आपको ऐसी, ठीक। ये पहली सरफेस है, दूसरी सरफेस भी मान लो रफ है ऐसी, तो जब ये एक दूसरे के ऊपर आएंगी, इमेजिन करो मेरा हाथ एक रफ सरफेस है, ये देखो ऊपर नीचे ये ऐसी सरफेस है, ये मेरा हाथ है, ये सरफेस है, ये टॉप मोस्ट सरफेस देखनी है, ये दूसरी रफ सरफेस है। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आई तो इंटरलॉकिंग हो गई, ये देखो
फंस गए, अब इनको मूव करवाना मुश्किल है। ये ग्राउंड है मान लो, ये ऊपर का ब्लॉक है, इसको मूव करवाना मुश्किल है क्योंकि फंस चुकी है इसके बीच में। तो हम बोलते हैं कि जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग है तो उतनी ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा है, जितना खुरदरी रफ सरफेस होगी उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उतना ही बॉडी को मूव करवाना मुश्किल है, हम बोलते हैं फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन और डीप चलते हैं, इंटरलॉकिंग में लॉक्स लगा के क्या करना, जब ये सरफेस कॉन्टैक्ट में आती है ना, आपको मालूम है इसमें एटम्स हैं, इसमें भी एटम्स हैं, एटम और एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। अब बॉन्ड का मतलब है चार्ज, चार्जेस, और चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसलिए बोला जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी किस कैटेगरी में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वो अलग बात है, हम केमिस्ट्री खोल के नहीं बैठेंगे फिजिक्स में कि देखो कितने बॉन्ड बन गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं, पर एक्चुअल रीजन उसका बॉन्डिंग ही है। क्वेश्चन आएगा, जब दो लोग आपस में हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक कौन सी फोर्स बन जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हैंडशेक में एटम और एटम बॉन्ड बना लेते हैं, जब सरफेस स्लाइड करते हो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हो, फ्रिक्शन है हाथों में भी, फिर जहां फ्रिक्शन है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, पर हमें पता ही लगता कुछ बॉन्ड बन जाते हैं जब एक सरफेस कॉन्टेक्ट में आती है, बॉन्ड बनने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इवन यही नहीं, एक रस्सी है, एक रस्सी टाइट कर दी आपने, ये रस्सी है टाइट कर दी एकदम बांध के, फोर्स लगा रहे हो यहां पे, तो रस्सी टाइट हो जाएगी, रस्सी के अंदर फोर्स आ जाएगी, और रस्सी की फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन। याद है यूनिट्स एंड डायमेंशन में सीखा था टेंशन, तो रस्सी की फोर्स को टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन को अगर आप थोड़ा और माइक्रोस्कोप की फॉर्म में स्टडी करो, तो रस्सी के अंदर धागे होंगे, छोटे छोटे धागे होते हैं जिससे रस्सी बनती है, ऐसी बनती है ना, एक तो होती नहीं, कई फाइबर्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अंदर बॉन्ड्स है, रस्सी के अंदर बॉन्ड्स है, वो बॉन्ड्स इतनी ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है कि अगर रस्सी मजबूत है बॉन्डिंग स्ट्रांग है, रस्सी वीक है बॉन्डिंग वीक है, टूट जाएगा। रस्सी मोटी है, लाखों बॉन्ड्स बन चुके हैं रस्सी मोटी में, तोड़नी मुश्किल है। रस्सी पतली है, बॉन्ड्स कम हो गए, क्योंकि रस्सी पतली है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है, तो बॉन्ड्स कम बनेंगे तो रस्सी को तोड़ना आसान है। तो बेसिकली जब आप रस्सी को तोड़ते हो तो अंदर आप बॉन्ड्स को तोड़ते हो उनके बने हुए, तो बॉन्ड्स का मतलब है एटम एटम के बीच में फोर्स है, तो कहीं ना कहीं फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो जितनी फोर्सेस हम स्टडी करते हैं, रस्सी की फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स है, ये जितनी भी फोर्सेस हैं, ये सब किस कैटेगरी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि हमें नहीं दिखता पर एक्चुअल में एटम एटम आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो ये दूसरी कैटेगराइजेशन ऑफ फोर्स है जिस पे हमारा फोकस अभी से स्टार्ट हो जाएगा। हम फ्रिक्शन स्टडी करेंगे, हम रिएक्शन स्टडी करेंगे, कूलम फोर्स प्लस टू में स्टडी करेंगे, काफी हिस्सा प्लस वन प्लस टू का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही स्टडी करवाने में लग जाएगा। एक साल लगेगा एटलीस्ट मोटी मोटी लैंग्वेज में इसको स्टडी करने में, वन ईयर बहुत है, आधा हिस्सा प्लस टू में आधा हिस्सा प्लस वन, बड़ी चीज है, मैं एक लाइन में समझा भी नहीं सकता, करके पता लगेगा एक साल में। क्लियर है यहां तक? पर मैं नाम दे के छोड़ रहा हूं, ग्रेविटेशन, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरी न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स कुछ तो केमिस्ट्री वाले सिखा देंगे और हम फिजिक्स वाले अक्टूबर प्लस टू में सिखाएंगे, एक फिजिक्स आएगी जो फिजिक्स की ब्रांच है जिसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, वो मॉडर्न फिजिक्स में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, बीच में एटम न्यूक्लियस वो पढ़ाया जाता है, उसमें ये फोर्स आती है। मोटा मोटा बता देता हूँ, न्यूक्लियर फोर्स नाम से ही पता लग रहा है न्यूक्लियस के अंदर की फोर्स है, और आपने केमिस्ट्री में न्यूक्लियस पढ़ा होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़े होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन और ये अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव नहीं होती, प्रोटॉन प्रोटॉन को खींचता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को खींचता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी खींचता है। तो बेसिकली न्यूक्लियस में पड़े न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को खींचते ही रहते हैं, और जितनी स्ट्रांगली खींचेंगे न्यूक्लियस उतना स्टेबल है। इनमें अगर खींचने की फोर्स कम हो गई तो न्यूक्लियस को तोड़ना उतना आसान है, और आपने न्यूक्लियस तोड़ दिया अगर तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, और हम बोलते हैं हमने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया। देखो ना, वीक वीक ऐसे ऐसे एटम ढूंढ लिए, ऐसे न्यूक्लियस ढूंढ लिए यूरेनियम जैसे, जिनमें जिनके न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत आसान है। तो अगर ऐसे मटीरियल्स आइडेंटिफाई कर ले जिनको तोड़ना आसान है तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, लाखों करोड़ों एटम है, एक न्यूक्लियस तोड़ के बहुत एनर्जी निकलती है, तो करोड़ों न्यूक्लियस है तो तोड़ के बहुत एनर्जी निकलेगी, तो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हो जाते हैं, या इस कोई भी रिएक्शन
जिसमें बहुत एनर्जी चाहिए वहां न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए होती है, वहां हम ऐसा करते हैं। बट न्यूक्लियॉन्स यानी कि इतनी छोटे लेवल की फोर्स को स्टडी किया जा रहा है जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस तो दिखता भी नहीं है इतना छोटा है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मानी जाती है न्यूक्लियर फोर्सेस। और ये किसके किसके बीच में है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स के बीच में है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में है। क्लियर? दीज फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज, ये बहुत कम डिस्टेंस पे काम करती है। ये नहीं है कि आपने एक न्यूट्रॉन यहां पकड़ा और दूसरा उस कमरे में पकड़ लिया, ये नहीं एक्ट करेगी। ये तो न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करेंगे और न्यूक्लियस का रेडियस बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही छोटा, शॉर्ट रेंज फोर्स है, मीटर्स में तो काम ही नहीं करती। ये तो 10^-14 मीटर, 10^-16 मीटर, इतनी रेंज में काम करती है बस। 10^16 में तो कैलकुलेशन भी हम कर नहीं पाएंगे, 0.00000015 कौन लगाएगा, इतनी छोटी रेंज पे काम करती है। ठीक है यहां तक? दीज फोर्सेज आर मच वीकर, ये फोर्स कमजोर पड़ जाती है, वैसे दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये फोर्स कमजोर पड़ जाती है कूलम फोर्स से। कूलम फोर्स अलग है, वो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ये फोर्स वैसे तो बहुत स्ट्रांग होती है, पर ये कूलम फोर्स से वीक पड़ जाती है अगर दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस 10^-14 मीटर से बढ़ जाए। तो अगर इतने मीटर से डिस्टेंस बढ़ जाता है तो न्यूक्लियर फोर्स कमजोर होती जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग हो जाती है। पर अगर डिस्टेंस इससे छोटा है तो न्यूक्लियर फोर्स बड़ी हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोटी हो जाती है। तो मतलब अगर बहुत क्लोज है दो न्यूक्लियॉन्स तो स्ट्रांग है, अगर दूर कर दोगे तो ये वीक हो जाएगी। बस इसके बारे में बताया गया है। ये आपकी तीसरी फोर्स है जिसको मैं आज स्टडी नहीं करूंगा, इसको प्लस टू में उठाएंगे, पर नाम पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स नाम की चीज है। ठीक? और लास्ट वीक फोर्सेस, इसको तो रादर हम स्टडी नहीं करेंगे, केमिस्ट्री वाले करेंगे, जिसमें आपको रिएक्शन सिखाएंगे केमिस्ट्री में कि न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया जा सकता है। मजे की बात, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है किसी रिएक्शन से, और जिसमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको वीक फोर्स बोलते हैं, जो हम फिजिक्स वाले स्टडी नहीं करेंगे, पर हम नामकरण तो कर ही सकते हैं कि ये चौथी फोर्स जिसको हम स्टडी नहीं करेंगे। ठीक? तो और आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, स्पाइडरमैन, सुपरमैन और वो पता है, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट, हर बंदा ये अमेरिका में साइंटिस्ट ही तो है, और उसमें बेसिकली वो फिजिक्स के रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही उनको साइंटिस्ट को होता है। और कोई इंग्लिश मूवी में बोलता है कि मैं क्लासिकल फिजिक्स पे काम करता हूँ, कोई कहता है मैं क्वांटम फिजिक्स पे काम करता हूँ, और बहुत बहुत ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं वो, भारी भारी वर्ड्स। तो क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स के अलग अलग साइंटिस्ट हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है? क्लासिकल फिजिक्स का मतलब कि जब साइज ऑफ पार्टिकल जिन पे काम करना है वो 10^-6 मीटर से बड़े हैं, और जिन पे नॉर्मल लॉस जैसे न्यूटन के लॉस, थर्मोडायनेमिक्स के, गैस के लॉस सब एप्लीकेबल हैं, तो आप कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं? क्लासिकल। और ऑब्वियसली हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिकल, न्यूटन सब अभी आने वाले हैं सब इसमें। और अगर साइज ऑफ द पार्टिकल छोटा है तो कौन सी फिजिक्स, फिर ये लॉस फेल हो जाते हैं, फिर क्या चलता है? क्वांटम फिजिक्स। तो ये तो फिर बाद में देखेंगे जब देखेंगे, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये जस्ट क्लासिफिकेशन की गई है फोर्सेस की, और चैप्टर बड़ा लंबा है पढ़ने में, तो आप इतना नहीं पढ़ पाओगे, इतना सफिशियंट है, और रिक्वायर्ड भी नहीं है इसको पढ़ना, क्योंकि जो चीज़ करनी 2 साल में तो उसको पढ़ के भी अभी क्या ही करोगे। तो जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना मैंने एक शीट पे लिख के दे दिया, इससे छोटी थ्योरी में बना नहीं पाया, वैसे ये थ्योरी 4-5 पेज की है, पर इससे इसमें काम चलेगा आपका, बस वो 4-5 पेज का ये पेज पढ़ लिए बराबर हो गया। ठीक है यहाँ तक? तो